बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, आज के इस लेक्चर में हमने CFP5 दैट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की समर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ समर 2023 CFP5 फेडरल एक्साइज लॉ से पर्टेनिंग टेस्ट किया गया। तो इस सवाल को हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है स्टॉर्म लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग सिगरेट्स एंड ई लिक्विड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट किट्स। एक कंपनी हमारे पास स्टॉर्म लिमिटेड के नाम से जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ सिगरेट्स और ई लिक्विड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स किट्स के लिए के बिजनेस में एंगेज्ड है। स्टॉर्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एसएल रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ मे 2023। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट को देखूं तो कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल बाय और रिफंडेबल टू एसएल फॉर द मंथ ऑफ मे 2023। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूशंस एंड डिसअलाउंसेस। 8 मार्क की वेटेज है। बेसिकली एफईडी का आपने रिटर्न बनाना है, एफईडी की ड्यूटी पेबल या ड्यूटी रिफंडेबल कैलकुलेट करना है। वन बाय वन इन्फॉर्मेशन को रीड करना। कहता है परचेज ऑफ 5000 केजीज ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको वर्थ 8 मिलियन। एसएल पेड 80% ऑफ द अमाउंट वाइल द रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल ऑन 20 जून 2023। हमने 5000 केजी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज किया है 8 मिलियन का। 80% अमाउंट हमने पे कर दिया, बाकी 20% हम अगले महीने 20 जून को पे करेंगे। पेमेंट ऑफ इनलैंड कैरियर चार्जेस ऑफ 30,000 टू एयर कार्गो कंपनी फॉर शिपिंग और द कंसल्टेंट कंसाइनमेंट ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको फ्रॉम द परचेज लोकेशन टू एसएल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कह रहे हैं जो हमने अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज किया उसके लिए हमने इनलैंड कैरियर चार्जेस पे किए कि वो परचेज की लोकेशन से हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक लेकर आए। इसके अगेंस्ट हमने 30,000 के इनलैंड चार्जेस पे किए। सेल ऑफ 9,500 पैक ऑफ सिगरेट टू अ डीलर एट अ होलसेल प्राइस ऑफ 8,000 पर पैक। सिगरेट्स के 9,500 डब्बे 8,000 की प्राइस पे हमने डीलर को सेल किए होलसेल प्राइस। एन एक्सपोर्ट ऑफ 2,500 पैक्स ऑफ सिगरेट्स टू इंडोनेशिया वीआईसी एट अ प्राइस ऑफ 9,000 पर पैक। और 2,500 डब्बे सिगरेट के हमने 9,000 पर पैक के हिसाब से एक्सपोर्ट किए इंडोनेशिया भेजे। पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर मरीन इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सिगरेट्स एक्सपोर्टेड टू इंडोनेशिया। जो हमने ये 2,500 पैकेट एक्सपोर्ट किए इसके अगेंस्ट हमने 10,000 रुपए मरीन इंश्योरेंस पे किए उनकी इंश्योरेंस के अगेंस्ट। सेल ऑफ 1,000 केजी ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको टू अनदर सिगरेट मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची एट 2,000 पर केजी। सर, जो हमने 5,000 केजी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेस किया था उसमें से हमने 1,000 केजी किसी और मैन्युफैक्चरर को बेच दिया जो कि ईपीसी में है 2,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। इम्पोर्ट ऑफ बल्क शिपमेंट ऑफ 200 केजी ऑफ इलिक्विड्स द वैल्यू असेस बाय द कस्टम अथॉरिटी सेड द इम्पोर्ट इज अमाउंट टू रुपीज 3 मिलियन। 200 किलो हमने ई लिक्विड इंपोर्ट किया, बल्क शिपमेंट और 3 मिलियन का इंपोर्ट किया, इंपोर्ट वैल्यू इसकी 3 मिलियन है। ऑन सेल ऑफ द इंटायर इंपोर्टेड 200 केजी ऑफ ई लिक्विड आफ्टर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इन स्मॉल बॉटल्स एट 7 मिलियन। अगर हमने 200 केजी को प्रोसेस करके पैक करके स्मॉल बॉटल्स में 7 मिलियन पे बेच दिया। फॉर द पर्पज ऑफ 0.3 एंड 0.4 ईच पैक कंटेन 400 सिगरेट्स एंड इट्स रिटेल प्राइस 9,800। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में जो हमने 9,500 और 2,500 पैक्स लोकल और एक्सपोर्ट किए इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 9,800 है और हर पैक के अंदर 400 सिगरेट्स है। ठीक हो गया सर। अब देखिए, ये हमारा मेन आंसर टेक्स्ट एरिया है और ये हमारे पास वर्किंग का एरिया है। तो मेरे ख्याल है कि मैं वर्किंग के एरिया में पूरा इसका कंपटीशन बना के उसको अपने आंसर एरिया में सिंपली कॉपी कर दूंगा। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। हमारे पास कंपनी का नाम है स्टॉर्म लिमिटेड, हमारे पास पीरियड है मई 2023। थोड़ा सा यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग भी देखनी पड़ती है। इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एफईडी पेबल और रिफंडेबल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट एफईडी। इनपुट एफईडी में मैं मल्टीपल कॉलम्स बना लेता हूँ, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक वैल्यू या क्वांटिटी। जहां पे वैल्यू की बेसिस पे एफईडी चार्ज होगी वहां वैल्यू लिख देंगे, जहां क्वांटिटी की बेसिस पे चार्ज होगी वहां क्वांटिटी लिख देंगे। एक रेट ऑफ एफईडी, एक एफईडी का अमाउंट और एक रिमार्क्स का कॉलम। इसी तरह की एक वर्किंग हम बना लेते हैं आउटपुट एफईडी की।
थोड़ा सा इनके अलार्म वगैरह देख लेते हैं। वैसे तो इस पर इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं टाइम ज़ाया कर सकता हूँ, आप लोग ना कीजिएगा। तो हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, अब हम वन बाय वन एडजस्टमेंट को प्लॉट करते हैं। हमने 5,000 kg अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज किया, तो परचेज ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, अभी जो हमने अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज किया ना 5,000 की क्वांटिटी, इसमें से हमने 1,000 तो सेल कर दिया था सेपरेटली, पॉइंट नंबर 6 में लिखा था, और बाकी के जो 4,000 है उसकी हमने सिगरेट्स बनाई थी, और सिगरेट्स की पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में डेटा दिया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि थाउजेंड के जी फॉर सब्सिक्वेंट सेल, 1,000 kg हमने सब्सिक्वेंट सेल में लगा दिया, और 4,000 kg फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, कि 5,000 kg हमने परचेज किया, 1,000 kg हमने सब्सिक्वेंट सेल कर दिया, और 4,000 kg से सिगरेट मैन्युफैक्चर किए। अच्छा, 4,000 kg से जो सिगरेट मैन्युफैक्चर किए हमने, उसमें भी जो है 9,000 packs ऑफ सिगरेट्स कि हमने लोकल सेल्स किए, और हमने 2,500 packs ऑफ सिगरेट्स की एक्सपोर्ट्स की। ये मैं इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि इन सारे अलग अलग अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको पे जो इनपुट एफईटी आएगी, उन सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। लाइक जो सब्सिक्वेंट सेल हुआ उसकी एफईटी इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी, जो लोकल सेल्स हुआ उसकी एफईटी इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ जाएगी, जो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ उसके एफईटी इनपुट का हम ड्रॉबैक कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस वजह से मैंने ये सारा सेपरेट कर दिया, इसको मैं यू कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इनलैंड कैरेज चार्जेस पे किए हैं, तो इनलैंड कैरेज चार्जेस, अब इनलैंड कैरेज चार्जेस हमने कितने पे किए, वो हमने पे किए 30,000। अच्छा, अनमैन्युफैक्चर्ड ड्यूटी का सॉरी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको की मैंने वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो एफईटी रेट चार्ज होती है वो वैल्यू पे नहीं बल्कि क्वांटिटी पे चार्ज होती है। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के ऊपर जो एफईटी का रेट है वो 390 rupees पर केजी है, तो इस वजह से मैं इसकी वैल्यू नहीं भी लिखूं तो ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा और शिशके कर लेते हैं, तो इनलैंड कैरियर चार्जेस पे जो एफईटी चार्ज होगी वो वैल्यू पे चार्ज होगी, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको पे क्वांटिटी पे चार्ज होगी, तो वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी हम लिख सकते कि 1,000 kg है और ये 4,000 kg है। ठीक है, फिर सिगरेट्स के लिए हम जो इस्तेमाल हुआ उसको डिवाइड कर देंगे, या अभी डिवाइड कर देते हैं।
चले आगे जाके देख लेंगे। इसके बाद कहता है सेल ऑफ 2500 पैक ऑफ सिगरेट्स टू डीलर, तो ये आउटपुट एफडी में आ जाएगा। 9500 पैक्स ऑफ सिगरेट्स टू डीलर, ये लोकल सेल है, और 2500 पैक्स ऑफ सिगरेट ये एक्सपोर्ट्स है। इसके बाद हमने 1000 मरीन इंश्योरेंस के पे किए, तो ये इनपुट में आ जाएगा। मैं भी किसी पे एफडी की रेट वगैरह नहीं लगा रहा, वो मैं एक साथ जाके अपने बैलेंस से देख लूंगा। तो मरीन इंश्योरेंस के लिए हमने 10000 पे किए हैं। इसके बाद हमने सेल ऑफ 1000 केजीज ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, तो 1000 केजी ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सही, हमने किसको सेल करा है, हमने सेल करा है टू अनदर मैन्युफैक्चरर इन ईपीजी, तो 1000 केजी ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको टू मैन्युफैक्चरर इन ईपीजी, ठीक है। इसके बाद हमने इंपोर्ट ऑफ बल्क शिपमेंट ऑफ ई लिक्विड्स, तो ये इनपुट में आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ 200 केजी ऑफ ई लिक्विड, और जो भी हमने इंपोर्ट किया था पॉइंट नंबर 8 में लिखा था कि हमने उसको सेल कर दिया, तो सेल ऑफ 200 केजी ऑफ ई लिक्विड आफ्टर प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, ठीक है। तो मैंने सवाल का सारा डेटा ना रेलिवेंट कॉलम्स में प्लॉट कर दिया है, आई होप कि मैंने कोई एडजस्टमेंट मिस नहीं की होगी। अब हम आते हैं एफडी के रेट के लिए, देखिए जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको है, 1000 सब्सिक्वेंट सेल किया, 4000 सिगरेट के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं एफडी का रेट देखता हूँ। तो मैंने आपके सामने बेरक में पहले ही फेडरल एक्साइज लॉ ओपन कर लिया है। अगर मैं इसमें फर्स्ट शेड्यूल में आऊँ तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास एफडी के रेट्स आ जाएंगे। मैं सर्च नहीं कर रहा इसको, मैं ड्रॉप डाउन ही कर लेता हूँ। मैं पहले सर्च कर लेता, वो ज्यादा बेहतर था। बल्कि हम कहीं गलत आ गए, भी कुछ ऐसी तकलीफ है जो आपको एज ए स्टूडेंट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कि सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स के बाद, अच्छा इंडेक्स के बाद हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टार्ट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि एफडी का ना लास्ट सेक्शन कोई ऐसा यूनिक सेक्शन से सर्च करता हूँ कि मैं उस सेक्शन पर चला जाऊँ, फिर मैं थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दूंगा, या ना मुश्किल करने से बेहतर है टोबैको ही डालते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली बड़ी मुश्किलों से मैंने एफईडी लॉ में फर्स्ट शेड्यूल ढूंढ लिया। Anyway, एफईडी लॉ में फर्स्ट शेड्यूल में अगर आप आएंगे तो आपके पास एंट्री नंबर 7 में रेट आ रहा है, डेट ऑफ ड्यूटी आ रहा है 390 रुपीज पर केजी। तो इस पे जो रेट लगना है वो लगना है रुपीज 390 पर केजी, इस पे भी यही रेट है, और जो हमने सप्लाई किया उस पे भी यही रेट लगेगा। तो मैंने सिर्फ रेट लिख दिया ड्यूटी का कि 390 रुपीज पर केजी। इसके बाद सिगरेट्स है, और सिगरेट्स
जो हमने 9,500 पैक लोकली सप्लाई किए और 2,500 पैक जो है वो एक्सपोर्ट किए। सिगरेट के रेट जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं पॉइंट नंबर एंट्री नंबर 9 और 10 में। एंट्री नंबर 9 और 10 में रेट लिखा हुआ है लोकली प्रोड्यूस सिगरेट इफ देयर ऑन पैक रेंटेड रिटेल प्राइस एक्सीड्स 9,000 रुपीज पर सिगरेट, कि अगर प्रिंटेड रिटेल प्राइस 9,000 रुपीज पर 9,000 रुपीज पर 1,000 सिगरेट से ज्यादा है तो एंट्री नंबर 9 का रेट लगेगा, और अगर लोकली प्रोड्यूस सिगरेट इफ देयर ऑन पैक रिटेल प्राइस डज नॉट एक्सीड 9,000 रुपीज पर 1,000 सिगरेट से कम है तो एंट्री नंबर 10 का रेट लगेगा। इन्होंने मैं सवाल में बताया था कि फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 यानी कि ये जो सेल और एक्सपोर्ट की है ईच पैक कंटेन 400 सिगरेट्स एंड रिटेल प्राइस 9,800। तो देखें अगर मैं छोटी सी वर्किंग करूं कि रिटेल प्राइस कितनी है, रिटेल प्राइस है 9,800 और नंबर ऑफ सिगरेट्स इन पैक कितना है 400, तो रिटेल प्राइस पर 1,000 सिगरेट कितनी होगी, 9,800 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1,000, ये आ गया 24,500। अब 24,500 इसकी 1,000 सिगरेट की रिटेल प्राइस है और यहाँ रेट वेरी कर रहा है कि 9,000 से ज्यादा है 9,000 से कम, तो यानी कि हमारे लिए जो रेलेवेंट रेट होगा वो एंट्री नंबर 9 का होगा। अब एंट्री नंबर 9 में रेट क्या है कि ₹16,500 per 1,000 सिगरेट। तो 9,000 पैक जो मैंने सप्लाई किए इस पे हम लिख देते हैं ₹16,500 per 1,000 सिगरेट्स, ये हमारा रेट है ₹60,000 per 1,000 सिगरेट्स। और जो एक्सपोर्ट किए वो तो होगी ही 0%, इसको मैं 0% कर देता हूं। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या है, ये मैन्युफैक्चर डुबे का रेट लिख दिया, इनलैंड कैरेज चार्ज। इनलैंड कैरेज चार्जेस के लिए हम दोबारा से बेरेक पे चलते हैं। इनलैंड कैरेज चार्जेस के अगर आप फर्स्ट शेड्यूल के टेबल 2 में आएंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के टेबल 2 में आपको एंट्री नंबर 4 में मिल जाएगा इनलैंड कैरेज ऑफ गुड्स पे रेट है 16%, तो इस पे लग जाएगा 16%। फिर मरीन इंश्योरेंस, अब मरीन इंश्योरेंस पे रेट दिया हुआ फर्स्ट शेड्यूल के टेबल 2 में, फर्स्ट शेड्यूल के टेबल 2 में आपको इंश्योरेंस सर्विसेज का रेट ऑफ ड्यूटी तो मिल जाएगा। अगर मैं इसको सर्च करूं तो सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंटेड बाय बैंकिंग कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज, तो इस पे 16% है। लेकिन मरीन इंश्योरेंस के नाम से थर्ड शेड्यूल में एक एक्सेप्शन आ रही है, तो मैं वो दिखा देता हूँ एक्सेप्शन आपको। कि ये हमारे पास एफडी लॉ के थर्ड शेड्यूल का, एफडी लॉ के थर्ड शेड्यूल का टेबल 2 है। एफडी लॉ का थर्ड शेड्यूल बेसिकली एग्जेम्प्ट ड्यूटेबल गुड्स और सर्विसेज का है, एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज का है। इसके टेबल 2 में सर्विसेज में पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है मरीन इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्ट, तो ये एग्जेम्प्ट है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स में कि एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 3 ऑफ टेबल 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल, के थर्ड शेड्यूल की टेबल 2 की एंट्री 3 के तहत, एंट्री 3 था ना इसके तहत ये मरीन इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होगी। अब ये थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने बेरेक प्रॉपरली रीड किया होगा तो आप मैनेज कर पाएंगे। फिर इसके बाद ई लिक्विड है और सप्लाई में भी लिक्विड है, तो ई लिक्विड का भी रेट देख लेते हैं। ई लिक्विड का रेट हमें फर्स्ट शेड्यूल की टेबल 1 में मिल जाएगा, तो फर्स्ट शेड्यूल की टेबल 1 में थोड़ा सा अगर मैं रीड करूं तो एंट्री नंबर 8A में आ रहा है ई लिक्विड्स बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिक सिगरेट्स ₹10,000 per kg, 10,000 per kg का ई लिक्विड पे एफडी का रेट है, तो ये आ जाएगा ₹10,000 per kg और यही रेट सप्लाई पे भी आ जाएगा। ठीक है, ₹10,000 per kg। अब हमने सारे रेट्स वगैरह प्लॉट कर दिए। अब देखें
सबसे पहले हमारे पास इसको थोड़ा 1000 kg हमने जो परचेज किया उसकी हमने एज इट इज सप्लाई कर दी। अच्छा एज इट इज जो सप्लाई की, इसमें मैंने रेट डाल दिया, लेकिन इसके हवाले से भी थर्ड शेड्यूल में एक एग्जेम्पशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड शेड्यूल। अब ये बातें मुझे पता कैसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीड करके रखा हुआ है थर्ड शेड्यूल को, फर्स्ट शेड्यूल को, सेकंड शेड्यूल को, थर्ड शेड्यूल को, तो एज अ स्टूडेंट आपने इसको प्रॉपर्ली रीड किया हुआ हो। थर्ड शेड्यूल में अगर आप टेबल वन में एंट्री नंबर 17 पे आएंगे तो गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कि अगर आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन करते हैं तो फिर इस पर एफईटी एग्जेम्प्ट होगी। तो ये होगा एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 17 ऑफ टेबल वन ऑफ थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल के तहत ये एग्जेम्प्ट है, तो इस पे तो एफईटी चार्ज नहीं होगी, इस पे तो एफईटी चार्ज नहीं होगी। और चूंकि इस पे एफईटी चार्ज नहीं होगी तो मैं यहाँ फिलहाल कैलकुलेट कर रहा हूँ 1000 × 390, लेकिन एफईटी इनपुट नॉट अलाउड अगेंस्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई। चूंकि हम इस 1000 kg को परचेज करके सब्सिक्वेंटली सेल कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट सेल जो हमारी वो एग्जेम्प्ट है, तो इसका जो एफईटी है इनपुट, ये हमें अलाउ नहीं होगा, ये भी मैं टोटल इनपुट कैलकुलेट करने के बाद माइनस करूँ। अच्छा ये हमने यहाँ पूरा तो लिख दिया, लेकिन इसमें बताया गया था सवाल में कि हमने जो पेमेंट की है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 80% की है, तो मैं सिर्फ 80% की हद तक ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि पे हमने 80% किया है। ये भी बात लिख देता हूँ, कंसिडर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, क्योंकि हमने 80% पे किया, तो हम इस 390 को भी मल्टीप्लाई बाय 80% कर देते हैं। तो 1000 × 390 × 80%, ठीक है, 312 आ गया, और हम इसको डिसअलाउ करवा देंगे। अच्छा बाकी जो 4000 है इसके ऊपर भी हमने 390 के हिसाब से एफईटी पे किए, लेकिन 9500 सिगरेट्स हमने लोकली सेल की जिसका एफईटी इनपुट अलाउ हो जाएगा, 2500 सिगरेट्स हमने एक्सपोर्ट्स की जिसका एफईटी ड्रॉबैक में चला जाएगा। अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला को देखिएगा, 4000 × 390 4000 kg अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको मल्टीप्लाई बाय 390 एफईटी का रेट मल्टीप्लाई बाय 9500, क्योंकि 9500 पैक की लोकल सप्लाई की है, डिवाइडेड बाय 12000, क्योंकि 12000 टोटल पैक बना है, 9500 लोकल सप्लाई, 2500 एक्सपोर्ट, तो 12000 हो गए टोटल, मल्टीप्लाई बाय 80% 4000 kg 390 की ड्यूटी का रेट, 9500 डिवाइड बाय 12000 ताकि वो प्रोपोर्शनेट हो जाए, और 80% की हद तक पे किया है। इसमें यही रीजन लिख देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, कि एफईडी इनपुट अलाउड, इस पे एफईडी इनपुट अलाउ हो जाएगा, लेकिन कंसिडर टू द एक्सटेंड ऑफ 80%। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर देता हूँ, कि 4000 × 390 × 2500, क्योंकि 2500 हमने एक्सपोर्ट किया है, डिवाइड बाय 12000 × 80%, इसके आगे लिख देंगे हम एफईडी रिफंडेबल या ड्रॉबैक अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किए तो इस वजह से इसके बैक पर जो एफईडी है वो रिफंडेबल में चली जाएगी। 4000 kg 390 एफईडी का रेट, 2500 डिवाइड बाय 12000 प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए 80% के तक पे किया है। इसमें ये वाली बात भी लिखते हैं, कंसीडर टू द एक्सटेंड ऑफ 80%। इसके बाद हमने इनलैंड कैरिज चार्जेस के ऊपर एफईडी पे की होगी, लेकिन ये एफईडी अंडर वैट मोड नहीं है, तो ये भी अलाउ नहीं होगा, एफईडी इनपुट नॉट अलाउड नॉट अंडर वेट मोड, ये वेट मोड में ही नहीं, तो इसका इनपुट अलाउ नहीं होगा, और इसकी वैल्यू भी रेलिवेंट नहीं है, बेसिकली 10000 इसकी 200 kg था, तो 200 kg, और इस पे जो रेट है 200 × 10000, इसका एफईटी इनपुट अलाउ हो जाएगा, इसका एफईटी इनपुट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सप्लाई भी कर दिया प्रोसेसर पैक करके। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एफईडी, ठीक है, टोटल एफईडी इनपुट फॉर द मंथ, इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस एफईडी इनपुट नॉट अलाउड
एफिड इनपुट नॉट अलाउड हमारे पास दो हैं, एक अगेंस्ट एग्जेम्प्ट सप्लाइज, वो कौन सा था, वो ये वाला था 312,000। दूसरा एफिड इनपुट नॉट अलाउड, ऑन सर्विसेस नॉट वेड मोड, वो कौन सी थी, ये 4,800। फिर हमारे पास एक आ जाएगा लेस एफडी रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ये वाला अमाउंट है हमारे पास 2,60,000 का। तो ये हमारे पास आ गया एफडी इनपुट एडजस्टेबल, एफडी इनपुट एडजस्टेबल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफडी इनपुट एडजस्टेबल, और ये था हमारे पास एफडी इनपुट फॉर द मंथ। इसके बाद फिर हम आते हैं आउटपुट एफडी पे। तो 9,500 पैक सप्लाई की, हर पैक के अंदर 400 सिगरेट्स थी, हर पैक के अंदर 400 सिगरेट्स थी, और रेट कितना है 16,500 पर 1,000 सिगरेट्स। तो यहां देखिएगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1,000, तो मल्टीप्लाई बाय 400 के तो टोटल नंबर ऑफ सिगरेट्स आ गए, डिवाइड बाय 1,000 के तो 1,000 के पैक बन गए, और रेट कितना है, रेट है 16,500। तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 16,500, ये आ गया। इसके बाद ये तो जीरो रेट था, तो जीरो रेट इस पे एग्जेम्प्ट है, और ये 200 केजी सप्लाई किया तो इस पे 200 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये हमारे पास आउटपुट एफडी आ गया, आउटपुट एफडी फॉर द मंथ। ये वर्किंग सिर्फ मैं रिटेल प्राइस पर पैक कैलकुलेट करने के लिए की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई काम नहीं है सच। तो हमारे पास एफडी पेबल फॉर द मंथ आ जाएगा कितना, आउटपुट एफडी माइनस इनपुट एफडी एडजस्टेबल, दैट इज 64,700 माइनस 2,988,000। तो ये आ गया, और एक ये भी दिखा देते हैं कि एफडी रिफंडेबल वो कितना है, वो हमने ये 2,60,000 रख के। तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है, यहां तक हमारे सवाल ये कंप्लीट हुआ जाता है। अब मैं पूरी इस वर्किंग को अपनी मेन आंसर कॉपी में थोड़ा कॉपी करके फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग देख लेता हूं। तो हमारी जो मेन आंसर कॉपी थी, तो स्टॉम लिमिटेड मे 2023 कंपटीशन ऑफ एफडी पेबल रिफंडेबल इनपुट एफडी परचेजेस वैल्यू रेट एफडी रिमार्क्स, सबकी रीजनिंग भी लिख दी, इनपुट एफडी फॉर द मंथ आ गया, नॉट अलाउड रिफंडेबल इनपुट एफडी एडजस्टेबल, आउटपुट एफडी पर्टिकुलर्स रेट एफडी रिमार्क्स, ये हमारे पास इसको बोल्ड कर देते हैं कि एफडी पेबल है और ये एफडी रिफंडेबल। तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।